तेरे पकड़े गए। कुछ दिन पहले महिला की हुई थी हत्या, गांव के ही निकले आरोपी लूट के इरादे से की गई हत्या, हत्यारों में एक नाबालिग, बैकुंठपुर थाने के मुड़ियारी गांव का है मामला। वृद्ध महिला की हत्या लूट के इरादे से गांव के ही दो युवकों ने की थी, उसमें से एक नाबालिग था, बैकुंठपुर थाने के मुड़ियारी गांव का है मामला। दोनों युवक हिरासत में ले लिए गए हैं। हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व ही बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव में वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। महिला की केवल एक लड़की थी, वह भोपाल में रहा करती थी। महिला रीवा में अकेले रहती थी। आसपास के लोग ही महिला की देखभाल किया करते थे। महिला की उम्र लगभग 73 साल के आसपास थी। महिला जब सुबह घर से नहीं निकली, तब आसपास के लोगों ने घर के अंदर देखा था, महिला अपने बिस्तर के पास मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके गले की माला टूटी हुई थी, खाना भी वहीं पर रखा था। पुलिस मानकर चल रही थी महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई होगी। आज जब आरोपी पकड़े गए तो पुलिस का यह दावा सही निकला। बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच प्रारंभ की थी। शक के आधार पर एक आरोपी के साथ नाबालिग को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवदीप भसीन ने बताया, आरोपियों ने लूट के इरादे से महिला की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपी रोहित रावत निवासी मुड़ियारी है, जो अपने नाबालिग दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लूट का विरोध करने पर वृद्ध महिला पार्वती सेन को हमने मौत के घाट उतार दिया था और नकदी सोने की चैन अन्य सामान चोरी कर हम सतना भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सुनिए पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर। एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल थाना प्रभारी एसडीपी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सबको लिया गया, फिंगरप्रिंट टीम को। नेक्स्ट डे हमने भी घटनास्थल विजिट किया और तत्काल टीम ने अच्छा काम करते हुए दो आरोपियों को राउंड अप किया है। उसमें से एक 18 वर्ष से कम उम्र का है व्यक्ति और एक उसका साथी है, और ये आसपास के रहने वाले लड़के हैं जो इस आशा के साथ उस घर में गए थे कि उनको वहां से कुछ अधिक मात्रा में राशि और सामान मिलेगा, परंतु महिला गरीब थी तो अधिक सामान उनको वहां से नहीं मिल पाया और उन्होंने पूरी घटना हमको स्वीकार की है। घटनास्थल पर उनको ले जाया गया, उन्होंने घटनास्थल पर जाकर भी बताया किस प्रकार घटना को अंजाम दिया। अकेली महिला घर में रहती थी, उनकी एक ही बिटिया थी जो शादी हो चुकी है, जो बाहर रहती है। इसका लाभ लेकर उन्होंने घर में रात को प्रवेश किया और सामान जो भी उनको चाहिए था उस क्रम में उन्होंने महिला का गला घोंटकर हत्या की, जिसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट में भी हो रही है। अभी हमने दोनों को राउंड अप करने के पश्चात अपनी एफएसएल टीम को भी लगा रखा है और फिंगरप्रिंट टीम भी काम कर रही है, जिससे कि मौके पर जो भी वस्तुएं थी उनसे फिंगरप्रिंट मैच करा के इसमें जो भी उनको अन्य वस्तुओं से मैच कराना है उस पर भी काम कर सकें, और इन आरोपियों को एक वृद्ध महिला की हत्या करने के जुर्म में हम लोग सजा दिला सकें। इसके लिए हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से कर रही है और इस टीम ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, महिला संबंधी अपराध में तत्परता दिखाई है। तो इस टीम को हमने 10,000 रुपीज कैश रिवार्ड देने का भी बताया है और इस प्रकार इस प्रकरण में पूरी विवेचना में एसडीपी सिरमौर के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन संपन्न होगा, जिससे कि हम लोग प्रकरण में सजा करा सकें और ऐसे आरोपियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि उनके द्वारा कभी कोई घटना करने पर कानून अपना काम करेगा। इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया है अपराध की पहला जो नाबालिग है व्यक्ति उसके बारे में जानकारी एक अपराध की मिली है और जो अन्य अपराधी है उसका अपराध हम अभी चेक करवा रहे हैं अन्य थानों में, जहाँ उसकी रिश्तेदारियां वहाँ भी चेक करा रहे हैं, कभी वहाँ जाकर कोई घटना की तो उसको ऐड करेंगे सबका। सर कैसे इन्होंने साजिश रची, कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया? इन्होंने देखा कि महिला एक निवास घर पे है जो दो कमरे का मकान है, वहाँ अकेले रहती है, तो इन्होंने प्लान किया कि वहाँ जो भी मिलेगा हमको वो हम लेके निकल आएंगे। उस दौरान महिला क्योंकि वहाँ जाग रही थी तो इनको ऐसा आशंका थी कि ये सोते मिलेंगे तो सामान लेके आएंगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का हुआ है तो फिर उन्होंने उनको घटना कारित करके अपना सामान लेके लोग वहां से निकल गए, और जब पुलिस ने आसपास सर्च करना शुरू किया कि कौन व्यक्ति संदेह के दायरे में आते हैं, कौन लोग फरार हैं, तो उस दौरान ये हमारे रडार में थे। हम लोगों ने इनको शुरू में 24 घंटे तक बिल्कुल टच नहीं किया और उसके बाद हमारी टीमों ने तक अपनी पहुंच बनाई। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।